मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम भाई, केम छो, मजा में। और आपा भी बहुत ही मजा मारो भाई लोग। देखो बहुत दिनों के बाद में ना वीडियो आ रही है आपके पास, करीब 20 दिन हो गए होंगे और 20 दिनों में कोई वीडियो नहीं डाले, तो आज वीडियो बनाते हैं आप भाइयों के लिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में घर से बाहर निकले हैं आज। तो अपनी जो साइकिल है, आज साइकिल से ही अपन कहाँ चल रहे हैं, काणोताबान। घर से करीब 2 किलोमीटर आ चुके हैं। ये अपनी खड़ी है साइकिल, जो कि हायाबुसा, हायाबुसा तो नहीं बोल सकते हैं, साइकिल तो साइकिल ही रहेगी। और कुछ ये गांव के इस तरीके से कुछ मकान है। हर महादेव, ये शंभू। साइकिल चलाने का भी एक अलग ही मजा है। और पीछे में पहाड़ देख रहे हो आप, पहाड़ देखो आप, एक नंबर पहाड़ लग रहे हैं। और थोड़ा मौसम ठंडा हो चुका है और अभी क्या है, थोड़ी चलान है। देखो आप देख पा रहे हो तो साइकिल अपने आप ही बहुत स्पीड बढ़ा ली है भैया। बांध का जो रास्ता था ना, वो पीछे में कट चुका है, लेकिन हम थोड़ा आगे तक आए। और देखो यहाँ पे रास्ता बंद कर रखा है, जो कि क्या है, कानोदा बांध में पानी इतना आया था पिछली बार बारिश में, तो ना ये रास्ता बंद कर दिया था। अभी फिलहाल में अपने आसपास में कोई भी नहीं है। और आपके भाई के ना बाल बहुत बड़े हो चुके हैं यार, अब कैसे कटवाए बताओ, लॉकडाउन लग रहा है और नाई जो होते हैं हेयर कट वाले, उनकी सारी शॉपें बंद है। और फिलहाल में हम कटवाना भी नहीं चाहते भैया, रिक्स नहीं लेना चाहते हैं। अब देखो ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता बंद है, वैसे यार अब तो खोल देना चाहिए। बाकी अभी भी क्या है, वहाँ पे पानी भरा है, ताकि ये ना इसलिए रास्ता बंद कर रखे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये देखो भैया भी है ना इसी रास्ते के है ना विश्वास से आए थे, लेकिन ये रास्ता बंद है, बिल्कुल बंद है, अभी यहाँ से बंद कर रखा है ना। ये देखो लेकिन आगे है क्या, पानी भरा ना रास्ते में, वो देखो आप, वो देखो रोड पे पानी भरा है, तो इस वजह से फिर कैसे जाएंगे। तो भाई अपनी साइकिल, तो अब उधर चलते हैं काणोता बांध के लिए। भैया आए, उनको रास्ता नहीं मिला, अब उनको मालूम नहीं होगा, वो कभी आए नहीं होंगे इधर से। बाकी पिछले साल जो बारिश हुई थी ना टाउन के अंदर, बहुत ही गजब की बारिश हुई थी, उसमें बहुत पानी भरा था, तभी तो ये रास्ता जो पीछे दिख रहा है ना, रास्ता ये बंद हो गया। बाकी दोस्तों सच्ची में ना, आप भाइयों का जो सपोर्ट और जो प्यार है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना आप, उनको पढ़ के दिल खुश हो जाता है। बाकी क्या बताएं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो भाई लॉकडाउन के अंदर इतना ही है कि भाई जितना हो सके सेफ्टी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी बरतो। और आप भाई जो अपनी यूट्यूब फैमिली है, तो आपका सभी का ना दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, अब समझ सकते हो आप फीलिंग को। तो चलते हैं आगे। भाई बोल रहे होंगे यार कि कब से बोल रहा है काणोताबान काणोताबान, तो बस पास ही में है यार, अब क्या करें, थोड़ा सा मतलब यार साइकिल भी चला लेते हैं, एक्सरसाइज हो जाएगी, पसीने पसीने आ गए बहुत दिन से, क्या घर ही घर के अंदर है ना, तो पसीने। वैसे तो क्या शाम शाम को मैं टहलने के लिए निकलता हूँ, जो कि अपने थोड़ी सी दूरी, बाकी सेफ्टी तो पूरी रख ही रखे हैं, अभी आसपास में कोई है नहीं, तो इसलिए मैंने मास्क हटाया। बाकी मास्क ज़रूर से लगा के रखना भाई, ज़रूर से। और ये देखो दोस्तों, ये बोर्ड लगा हुआ है काणोता कैंप और रिजॉर्ट के लिए भी, तो काणोता बांध है जो इधर ही है। दोस्तों ये देखो ऑफ रोड चालू हो चुका है, अपना और अपनी साइकिल का, दोनों का। तो ये काणोता बांध के लिए जा रहा रास्ता है, और ये गेट लगा हुआ है यहाँ पे, और गेट लगा हुआ है कि अपने पास साइकिल, और यहाँ से थोड़ा सा तार खुला हुआ है, लगा हुआ है ये यहाँ से है ना, तार खुला हुआ है, तो यहाँ से अपनी साइकिल निकल जाएगी। बाकी है ना साइकिल पंचर होने का डर है यार, यहाँ पर पंचर हो जाएगी तो लटक जाएंगे यहीं पर, तो साइकिल को बड़े आराम से निकालनी पड़ेगी।
फिर नीचे में तार भी है। बस यार पंचर ना हो जाए साइकिल, पंचर हो जाएगी ना तो भैया दिक्कत है। देखो कांटे भी हैं यहाँ पे, तो पैदल ही लेके चलते थे। कांटे भी कोई छोटे मोटे नहीं है, बड़े बड़े कांटे हैं। देखो आप यार इधर क्या किया है, खेती वेती कर दी यहाँ पे, कुछ ना कुछ किया तो है यहाँ पे। अभी इधर से लेके चलते हैं। चलो बढ़िया साइकिल है, तो अभी से हद्दर उठा के ले चलते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद मैंने थोड़ा रास्ता सही मिला, क्योंकि अपन बैठ के चल रहे साइकिल पे। बस ये पंचर नहीं हो जाए यार, पंचर हो गई तो भाई सब पैदल पैदल कर जाना पड़ेगा आज इतनी दूर। और सामने में कुछ घर है जो मच्छी पकड़ते होंगे, यहाँ पे अपना गुजारा बसारा जो कर चलता है इनका घर खर्चा वो चलाते होंगे। और दोस्तों ये है सामने में कानोता बांध, जो कि आप देख रहे हो कितना गजब का नजारा आ रहा है। और है ना मौसम बहुत खतरनाक हो चुका है, बारिश वाला मौसम हो चुका है। ये देखो अपनी हवा से ना साइकिल गिर चुकी है अब भाई इतनी खतरनाक हवा चल रही है, मतलब जो पानी की लहर है ना, ये देखो आप कहाँ तक पानी उछल उछल के आ रहा भाई। और दोस्तों पहाड़ों को देख के तो आप पहचान ही रहे होंगे भाई कितनी जबरदस्त हवा चल रही है। नजारा देखो आप एक नंबर, एक तो अपना है ना फोकस नहीं रहता जल्दी से, नजारा देखो बाढ़ बाढ़ से हवा में उड़ रहे एक नंबर का व्यू भाई। मतलब भाई अभी तो छूट जाता हाथ में से मोबाइल, एक नंबर का मजा आ रहा भाई। और करीब 7:15 बज चुके, और अगर बारिश आ गए ना तो भैया अपने पास ना कोई बचने का सामान भी नहीं है, मतलब कोई पोलोथीन वगैरह भी लेके नहीं आया मैं, क्योंकि उस टाइम पे धूप थी। और अभी मौसम देखो क्या गजब का मौसम। दोस्तों पिछले सावन में जब मैं आया था ना यहाँ पे, तो भाई वो जो सामने दीवार है ना वहाँ तक पानी आ गया था, हालांकि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी उस समय। बाकी उससे पहले आया था मैं करीब 2-3-4 महीने पहले जब वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो भी मैं आई बटन पे आ रहा होगा देख लेना आप। बाकी है ना वो वाली वीडियो नहीं बनाई यार जब यहाँ तक पानी आया था, लेकिन जब यहाँ तक पानी आया था ना तो यहाँ तक आ ही नहीं पा रहे थे, वहीं से चले गए थे मच्छियों का दाना डाल के। बाकी भाई बहुत मज़ा आ रहा है, हवा तो एक नंबर, जो सामने का नज़ारा देखो आप, नज़ारा एक बार देखो। और देखो दोस्तों दूर दूर तक पानी दिखाई दे रहा भाई, दूर दूर तक बिल्कुल नीला नीला, जो ये होता है ना हरा हरा पानी, नीला तो नहीं हरा हरा पानी है और क्लियर है इस समय वाटर, मतलब जो पानी है जो बहुत क्लियर है, बहुत मतलब खुशी का है ना ठिकाना ही नहीं है भाई। और ये अपनी साइकिल गिरी हुई है, कोई बात नहीं फिर खड़ी करेंगे तो फिर गिर जाएगी। मतलब ये देखो आप है ना यहाँ तक लगभग यहाँ तक पानी आ गया था पिछली बार, और इधर में भी है पानी। बिल्कुल दोस्तों देखो है ना समुंदर वाला जो फील होता है ना, बिल्कुल वैसा फील हो रहा है समुंदर जैसा, आ गए मजे देखो भैया के चेहरे पे स्माइल देखो है, एक नंबर आ रही भाई
तैरना नहीं आता हमें, पानी से ना बहुत डर लगता है। और दोस्तों पहले ही है ना अपनी साइकिल के ना जो गियर वगैरह है ना सारे खराब हो चुके हैं, क्योंकि बहुत दिनों से घर पे रखी हुई थी ना और बच्चे चला चला के सब एंड वेंड कर दिए उसको, और कहीं पानी लग लग के और जंग नहीं आ जाए चेन पे। वैसा देखो कहाँ तक पानी आ गया, कहाँ तक पानी आ रहा है। और दोस्तों देखो साइकिल को वहां से उठा के लाके यहाँ खड़ी करे और यहाँ पे भी गिर गई। अरे कितना बेकार स्टैंड है यार इसका, अरे स्टैंड क्या करेगा यार भाई, हवा इतनी जोरदार चल रही है कि इसकी बेचारी की है ना औकात नहीं है खड़े होने की, हवा बहुत ही गजब चल रही है। तो दोस्तों देखो आज का मौसम का है ना मजा लेते हुए इसी वीडियो का यही है ना डाउन करते हैं, मतलब क्योंकि है ना अब भैया बारिश का मौसम हो चुका है और बारिश कभी भी आ सकती है, तो है ना अपने पास कोई पन्नी वगैरह कुछ है नहीं, मोबाइल वगैरह बीच जाएंगे तो सब बेकार हो जाएगा, सब पानी पानी हो जाएगा। तो भैया कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? भैया बहुत मजा आया, मतलब फुल एंजॉय किया भैया ने भी, बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाई है भाई लोगों ने। तो होप करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो भैया क्या करना है आप ही बोल दो, लाइक एंड सब्सक्राइब। हाँ लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ और प्यारे प्यारे कमेंट करके जरूर से बताना ऐसी कुछ वीडियो डालते रहे या नहीं। बाकी लॉकडाउन चल रहा है देखो यार, हम भी नहीं चाहते कि घर से बाहर निकले, बाकी जो जरूरत के काम है वो तो करना ही पड़ेगा भैया। तो 20 दिन से घर में कैद हो रहे थे, वैसे सुबह शाम में थोड़ा बहुत तेल लेते हैं, ऐसे भी नहीं है, बाकी सेफ्टी पूरी बरतते हैं। तो ठीक है भाई, राम राम। जो बजरंग बली। और दोस्तों देखो ये कानोता डैम है ना, इसके इधर की साइड में दूसरी तरफ में हनुमान जी का मंदिर है जो कि बहुत ही सुंदर है। जय बजरंग बली।